हेलो दोस्तों, अपने NFT सारे के सारे फिर से रन अप ले रहे हैं, जैसे कि हमारा सैंडबॉक्स, उसके अलावा डिसेंट्रलाइज माना और GRT, अपना YGG, ये सब भी अच्छा खासा रन अप लेंगे। और इंजन के ऊपर तो बना ही दिया, और 1 इंच अपना इथेरियम की गैस फीस हाई, मतलब जो भी दे रहा था अपनी वापस रिटर्न कर रहा है, तो उसकी वजह से 1 इंच अपना भागने वाला है। तो ऐसी कॉइन्स और इनकी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दो सैंड की आज की वैल्यू 2.94 है, और 14.34% इंक्रीज है। मार्केट कैप और डाइल्यूशन भी सेम, उसके अलावा वॉल्यूम 57.73% साथ इंक्रीज में है मार्केट। और 24 घंटे अंदर हाई और लो अपना 2.52 और 3.20 है, ठीक है। मार्केट डोमिनेंस 0.10 और मार्केट रैंक है 65। तो यहाँ पे मैंने सारे सपोर्ट बना रखे हैं, तो ये मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिए इन लोगों ने क्या क्या डाला है। यहाँ पे इन लोगों ने अपने NFT के बारे में बताया है, उसके अलावा यहाँ पे स्वैपिंग के अवेलेबल हैं। और हमारा यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो ये आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलेगी जो इनका गेम आया हुआ है, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये गेम भी अच्छा है, और इसको जीतने के बाद थोड़ा सा आपको कॉइन्स मिल रहे होंगे, सैंड टोकन, जिनसे आप वहाँ पर ज़मीन खरीद पा रहे होंगे, तो बढ़िया रहेगा। और उसके अलावा गेम खेलने वाले शौकीनों के लिए तो भाई साहब गेमिंग टोकन हरदम ही होना चाहिए। उसके अलावा बिटकॉइन हॉल्ट लूजेस एबिट क्रिटिसिज्म ETF रिजेक्शन हैव कॉस्ट इन्वेस्टर 1200% गेन, तो अच्छा खासा भाई साहब गेन देखने को मिला है, जबकि रिजेक्शन हुआ था ETF का, और वो तगड़ा वाला हुआ था। तगड़ा वाला क्यों हुआ? क्योंकि लेवरेज चढ़ाने वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा चढ़ा के बैठ गए, और भैया बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हमारा। तो ठीक है, अब लॉस हुआ है तो भाई रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरा बुलिश सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है, मार्केट ग्रीडी बहुत ज़्यादा है, तो बढ़िया अपना चलता रहेगा। आप सेंटीमेंट को देखिए, फ़ायदे को देखिए, और अपना इन्वेस्ट करते रहिए। तो हमारा ये जो दूसरा है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे है, तो अपना 3.2 जो वेब आने वाला है, जिस फेसबुक का नाम जिससे मेटा में चेंज हुआ था, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हीलियम के बारे में बताया जाएगा, ये भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। तो हम लोग को और भी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो न्यूज़ का सेक्शन है वो यहीं पे रैप अप करना है मुझे। तो बिटकॉइन ड्यू टू हिट 90K इन अपकमिंग वीक्स डिस्पाइट पुल बैक लेटेस्ट टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, हम ना बिटकॉइन को 90K हिट करने का इस साल का है, मतलब साल क्या है, इसी महीने का है, और फिर इसके अगले महीने का थोड़ा और ज़्यादा का है। तो लेवरेज के लोगों की वजह से अपना ऊपर नहीं जा पा रहा, लेवरेज थोड़ा कम लेंगे लोग तो अपनी मार्केट ऊपर स्टेबल रह के जाएगी, वरना ऐसे ऊपर नीचे होती रहेगी। तो लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को आता है लेवरेज, लेकिन मैं लेवरेज लेना हरदम ही मना करता हूँ, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, और काफ़ी बार ये होता है कि ऊपर नीचे हो जाती है अपनी वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये नीचे वाले सपोर्ट हैं, और ऊपर वाले हमारे रेजिस्टेंस हैं, और ये जो हमारा हैमर बना है ये इन्वर्टेड बना है, और इसमें कोई विंक नहीं है, इसका मतलब ये एक रिवर्सल का साइन है। और ये जो हमारे वॉल्यूम्स आए हैं, इससे भी हमारा एक बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है, और RSI ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये एक ओवर मतलब ऊपर निकल गया था 80 के, तो थोड़ा सा सोच समझ के एंट्री लीजिएगा। और मनी फ्लो इंडेक्स के अंदर अपना 80 के ऊपर है, तो आप लोग यहाँ भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी ओवर बाइंग हो चुकी है, तब ओवर सेलिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये हरदम का ही ट्रेंड रहा है, आप पीछे भी देख सकते हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो हरदम बच के चलेंगे। तो बस आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें कि अवेलेबल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बाइनेंस, कूकॉइन, उसके अलावा आपका WZIRX पे अवेलेबल है, तो सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और आपका गैस फीस मतलब ट्रेडिंग फीस आपकी 50% तक ऑफ हो रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। And I need all of you to stop what you're doing and listen.